नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। प्रोफेशनल कोर्स करने वाले 220 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हां, प्रोफेशनल कोर्स करने वाले प्रदेश के पूर्व सैनिक के 220 बच्चों को सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग 220 आवेदन स्वीकृति के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेज दिए हैं। बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही छात्रवृत्ति राशि लाभार्थियों के खाते में आएगी। विधानसभा प्रकालन समिति के निर्देश, पंचायतों और महिलाओं मंडलों को सौंपे जाएंगे खाली पड़े 153 प्राइमरी स्कूल। जी हां, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान एक भी विद्यार्थी का दाखिला न होने से खाली पड़े 153 प्राइमरी सरकारी स्कूल ग्राम पंचायतों और महिला मंडलों को दिए जाएंगी। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ने पर पंचायतों और महिला मंडल से स्कूल खाली करवाई जाएंगी। स्कूल बंद रहने से खंडहर न बन जाए, इसलिए विधानसभा शिमला में हुई प्रकालन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 4 जून को ली जाएगी स्टेनोटाइपिस्ट की मूल्यांकन परीक्षा। जी, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 891 स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पदों को भरने के लिए करवाई गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल पद परिवहन विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पद भरे जाने हैं, जिसके लिए आयोग ने नवम्बर 2020 में आवेदन मांगी थी। इसके बाद सितम्बर 2021 में लिखित परीक्षा करवाई गई। हिमाचल के निजी डिग्री बीएड और लॉ कॉलेजों से नामांकन का ब्यौरा तलब। जी, हिमाचल प्रदेश की निजी डिग्री बीएड और लॉ कॉलेजों से विद्यार्थियों के नामांकन का ब्यौरा तलब किया गया है। आधारभूत ढांचे के मुकाबले अधिक दाखिले करने की उच्च शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली है। इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने वीरवार को सभी निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर 5 दिनों के भीतर जानकारी देने के लिए कहा है। निजी कॉलेजों से शिक्षकों के स्वीकृत पदों और नियुक्त शिक्षकों का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। सरकार से स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर सहित कॉलेज भवनों में सहित कमरों की भी जानकारी मांगी गई है। पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में शुरू होगी HSJE की कोचिंग। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में 1 जून से HAS परीक्षा और NEET तथा JEE की कोचिंग कक्षाएं शुरू करेगा। इसके लिए केंद्र ने 2022-23 में होने वाली इन दोनों परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कोचिंग कक्षाओं के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने 28 मई तक आवेदन मांगा है। प्रदेश के लहसुन की बाहरी राज्यों में मांग, 100 रुपये किलो मिल रहे हैं दाम। जी हां, औषधीय गुणों से भरपूर हिमाचल के लहसुन की मांग तमिलनाडु में बढ़ने लगी है। लहसुन की मांग बढ़ने से किसानों को भी इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। इस बार लहसुन का आकार काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से मांग भी बढ़ी है। हालांकि सोलन सब्जी मंडी में ग्रेड के हिसाब से लहसुन 25 से 80 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि तमिलनाडु की मंडियों में इसकी कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक है। इन दिनों सोलन और जिला सिरमौर से लहसुन पहुंच रहा है। शिमला में भूकंप के झटके 3.0 रही तीव्रता। जी हां, शिमला में शुक्रवार दोपहर 2:30 भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 रही। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन के मुताबिक भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। धर्मशाला मैक्लोडगंज मार्ग पर टिहरा लाइन में पलटी निजी बस, 27 यात्री घायल। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क पर टिहरा लाइन में शुक्रवार को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना का कारण सामने आ रहे वाहन को पास देना बताया जा रहा है। इस हादसे में चालक और परिचालक समेत 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 लोग गंभीर हैं। एक घायल को टांडा रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद सेना के जवानों ने घायलों को बस से बाहर निकालने में काफ़ी मदद की। सेना की मदद से ही घायलों को पहले आर्मी अस्पताल मैक्लोडगंज पहुँचाया गया। शिमला, ऊना और कुल्लू में बारिश, रोहतांग में हल्की बर्फबारी, 4 दिनों तक येलो ऑरेंज अलर्ट। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार को रोहतांग में ताज़ा बर्फबारी हुई और कुल्लू में दिन में और ऊना शिमला में देर शाम को झमाझम बारिश हुई। प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ से नुकसान हुआ है। कुल्लू के सेंज में घर की एक छत उड़ गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दिन को मौसम साफ रहा। ऊना अधिकतम तापमान बढ़कर 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार से 24 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की है। कांगड़ा जिले में सोमवार से सुबह 7:45 में खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल।
जी हाँ, बढ़ती गर्मी के चलते अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सरकारी और निजी स्कूल 23 मई से सुबह 7:45 में खुलेंगे और दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों का समय बदलने का यह फैसला बच्चों में गर्मी संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह आदेश 23 मई से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। IAS पठानिया का सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर, अधिसूचना जारी। जी, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2008 कैडर के IAS अधिकारी कैप्टन JM पठानिया का समय से पहले सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने 1 अगस्त 2022 से पठानिया के सेवानिवृत्ति होने की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 साल संगठन में सक्रियता से काम करने वाले को ही टिकट देगी कांग्रेस। जी हाँ, राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में इस बार विधानसभा चुनाव में 5 साल संगठन में सक्रिय रहने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी में वंशवाद की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए टिकट आवंटन में यह शर्त लागू रहेगी। अभी परंपरा रही है कि पार्टी के किसी विधायक के निधन के बाद उसके बेटे या परिवार के सदस्य को टिकट दिया जाता था, भले ही वह संगठन से जुड़ा हो या ना। अब ऐसी स्थिति में पहले संगठन में काम करने का अनुभव देखा जाएगा। गुरपतवंत पन्नू ने ऊना के अधिवक्ताओं को भेजे धमकी भरे ईमेल। जी हाँ, सीख फॉर जस्टिस के मुखिया और खालिस्तान समर्थक गुरपंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के अधिवक्ताओं को फिर धमकी दी है। पन्नू ने जुब्बल के अधिवक्ता और भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश शर्मा को ईमेल से धमकी भरा पत्र और वॉइस मैसेज भेजा है। उमेश ने मामले की शिकायत SP शिमला डॉक्टर मोनिका भुंटू गुरु से दी है। जिला न्यायालय ऊना के अधिवक्ताओं को भी धमकी भरे ईमेल और वॉइस मैसेज भेजे हैं। उसने विधानसभा धर्मशाला के गेट पर खालिस्तान के नारे लिखने वाले आरोपियों का समर्थन किया है। अब अगले सत्र से 2 नहीं 4 साल की होगी BEd। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने जारी की नोटिफिकेशन। जी हाँ, देश भर में अब आगामी शैक्षणिक सत्र से 4 साल की BEd शुरू हो जाएगी। अब तक देश भर सहित प्रदेश में भी 2 वर्ष की BEd चल रही है, जबकि अब शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से केंद्र व राज्य के संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके तहत टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से देश भर के सभी राज्यों के 1-1 संस्थान में शुरू किया जाएगा। इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दिल्ली की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वहीं पायलट प्रोजेक्ट में हिमाचल से भी 1 संस्थान को फाइनल करके 31 मई से पहले केंद्र को नाम भेजना होगा। इंटीग्रेटेड BEd शुरू होने से शिक्षक छात्रों को कंबाइंड डिग्री प्रदान की जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल बसों में होगा सफर, एक साथ चलेगी 20 नई बसें, चार्जिंग स्टेशन किए जा रहे हैं स्थापित। जी हाँ, पर्यटन नगरी धर्मशाला की सर्पिली सड़कों पर बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसके लिए HRTC प्रबंधन धर्मशाला की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। इन इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए HRTC प्रबंधन की ओर से चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। बस स्टैंड धर्मशाला के पिछली तरह ही चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। HRTC प्रबंधन धर्मशाला की माने तो 13 करोड़ की लागत से यह चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं और जुलाई माह तक निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ HRTC वर्कशॉप के साथ ही स्मार्ट सिटी धर्मशाला लिमिटेड के तहत भी चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर, ट्रैकिंग डिवाइस की निगरानी में रहेंगे वाहन। परिवहन मुख्यालय शिमला में बने कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने की तैयारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में पब्लिक व्हीकल की लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम के माध्यम से ट्रैकिंग होगी। वाहनों की ट्रैकिंग के लिए परिवहन मुख्यालय शिमला में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग की जल्द कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश भर में दौड़ रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अब परिवहन विभाग की नज़र रहेगी। प्रदेश में कौन सी बस, कौन सी स्कूल बस, टैक्सी, मैक्सी, टूरिस्ट वाहन, एम्बुलेंस, ओला कैब सहित अन्य नेशनल रूट पर चल रहे ट्रक व गुड कैरियर कहाँ जा रहे हैं, किन रूटों पर चल रहे हैं, इसकी जानकारी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से परिवहन विभाग के पास रहेगी। विभाग ट्रैकिंग डिवाइस से वाहनों की मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए परिवहन विभाग मुख्यालय में कमांड कंट्रोल रूम व सेंटर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और मोहल्ले से देख रहे हैं।